गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। सो 10th क्लास वी डिस्कस एन एक्सरसाइज 7.2 और एक्सरसाइज 7.2 वी एक्सप्लेन प्रोमेंट्स क्वेश्चन। सो स्टूडेंट ऑफ 7 एंड फॉर 12th वी कैन completed till question number 10, then 11, 12, 13 and 14 that can be solved by या 14 देखिए आज से कंप्लीट कर देंगे तो एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10 सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 वी एक्सप्लेन दैट इज इट इज क्वेश्चन नंबर 14 प्रूव दैट साइन थीटा cos 90 minus theta and cos total divided by sec 90 minus theta plus square cos theta sin 90 minus theta or can plus sin टोटल डिवाइड बाय cos थीटा sin थीटा इन cos सो वी कैन टेक इट्स रिजल्ट एलएचएस एलएचएस लिया और चेंज किया sin थीटा cos 90 ये cos आप जानते हैं sec 90 minus theta क्या होगा cos ये क्या हो गया cos theta sin 90 minus theta cos theta ये क्या हो गया sin theta by क्या हो गया बेटा इसका denominator cos है इसका भी cos है तो हमने LCM क्या हो गया cos theta तो ये बेटा हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा कॉस ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन बड़ा इन दोनों टर्म से क्या कॉमन हो गया साइन थीटा इनटू कॉस थीटा कॉमन हो गया तो यहां पे केवल क्या बचेगा साइन थीटा और क्या बचेगा टर्म कॉस थीटा साइन थीटा और क्या बचेगा तो ये साइन इसमें साइन बचा इसमें कॉस टोटल डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया थोड़ा कॉस जस्ट फॉर माय स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन समथिंग इज रॉन्ग रॉन्ग क्या है बेटा एक बार डायरेक्शन देखें ये cos नहीं होगा ये होगा cos 90 minus theta ये cos 90 में डायरेक्शन कर ले cos 90 minus theta होगा तो ये क्या हो गया बेटा sec जस्ट 100 स्टूडेंट ये क्वेश्चन रॉन्ग है तो एक बार इसको करेक्ट कर ले बुक में भी करेक्ट कर ले क्या है sec 90 minus theta ये क्या होगा cos 90 minus theta स्ट्रेच तो ये क्या हो गया हमारे पास sin स्क्वायर थीटा इक्वल cos थीटा बाय इसको चेंज करेंगे 1 by sin बड़ा ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा इक्वल sin थीटा इसको चेंज करेंगे क्या होगा 1 by cos sin अपने गया तो ये आ गया sin क्यूब थीटा इक्वल cos थीटा
कॉस क्यूब थीटा इक्वल क्या हो गया sin, दोनों टर्म से कॉमन क्या हो गया sin थीटा इक्वल cos थीटा, तो रेमेंट क्या हो जाएगा sin स्क्वायर cos स्क्वायर। आप जानते हैं sin स्क्वायर cos स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्या हो गया sin थीटा cos थीटा। इन दिस वे इट इज द LHS इक्वल टू RHS। सो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 यू कैन करेक्ट इट, इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लें। जिस बुक में भी cosec थीटा है पर cosec नहीं है, cosec 90 माइनस थीटा है, मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, 15 क्वेश्चन गिवन है आपसे, कह रहा है इफ साइन 3 बीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। वही मैंने एक एग्जांपल करवाया था 18, सेम प्रोसेस इस साइन के प्लेस पे कैन कॉस 90 माइनस 3। रीजन क्या है सर दैट कॉस 90 माइनस 3 का क्या होता है साइन। अब आप कंपेयर करेंगे तो 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा थीटा माइनस 6, 6 को उधर ले गए 90 प्लस 6 इक्वल टू थीटा, ये हो गया 96 इक्वल टू 4 थीटा, तो थीटा क्या हो गया 96 बाय 4, 4 वन 4 टू सब 8 और 4 4 दस। तो आपके पास थीटा क्या है 24, ठीक है। सेम प्रोसेस बेटा, 16 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, दैट कैन बी सॉल्व बाय यू, देन वी एक्सपेंड इट्स क्वेश्चन नंबर 7। उसी तरह 90 माइनस थीटा के फॉर्म से आप उसे सिंपलीफाई करें, ठीक है, समझो। नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं, गिवन एबीसी आर इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो अगर इंटीरियर एंगल है तो उसका मतलब ए प्लस बी प्लस इक्वल टू क्या होगा वन। अब प्रूविंग पे बात करें तो क्या आप प्रूव कीजिए टेन बी प्लस सी वाई को कॉट के अब बात करो बेटा, एलएचएस लिया, एलएचएस इज गिवन टेन बी प्लस सी वाई सर दैट ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा 180, बी प्लस सी क्या होगा 180 माइनस 180 माइनस बेटा इसमें पुट अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 10 180 माइनस के बाद 10 180 बाय 2 माइनस 90 माइनस एवन। अपडेट आप जानते हैं 10 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉट थीटा, तो सच दैट यहां पे रीजन लिखें 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा कॉट थीटा। सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू बेटा आरएचएस।
That's clear. So students of class 10, this is the question number 17. Then we discuss this last question. That is a question number 18. Last question is given. If cos 2 theta equal to sin 4 theta by 2 theta and 4 theta rectangle, then find the value of theta. आपके पास क्या है? देख क्या रहा है? Find theta. So students, to find out theta first we have change, need to change. दोनों function पे है तो sin में लिखेंगे दोनों को cos. तो इस cos के place पे क्या रखें? Sin 90 minus theta. ये क्या हो गया sin? Reason being is such that sin 90 minus theta equal to क्या होता है cos theta. Compare कर दें 90 minus 2 theta क्या होता है? 90 equal to 4 theta plus 2 theta. 90 equal to 6 theta. तो theta क्या हो जाएगा? 90 by 6. 6 1 by 6. 6 5 2. तो theta बेटा क्या हो गया? Any problem? So in this way, chapter number 7 will be completed. Next day on next videos, we discuss in chapter number 8, that is height and distance या application of trigonometry. ठीक है? तो देखने से हम chapter number 8 पे बात करेंगे, 7 chapter अपना complete होंगे. Okay? So students, we can discuss other topic on next day on next class. Thank you so much.